अपनी लोक संस्कृति और पुरखों की विरासत सहेज रहा महोत्सव, वरिष्ठ कवियों के काव्य पाठ और संतों के आशीष के साथ हुआ भव्य समापन। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से शिवम पांडे की खास रिपोर्ट। प्रयागराज करछना आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित 7 दिवसीय 24वें जमुना पार महोत्सव का मंगलवार देर रात भव्य समापन हुआ। मंच पर पहुंचे समारोह के मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि महोत्सव निश्चित रूप से एक ही मंच पर अपने कवियों, कलाकारों, साहित्यकारों, संतों, समाज सेवियों और विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं को संजोकर अपनी पुरखों की विरासत और लोक संस्कृति का संवाहक बन चुका है। आज के बदलते दौर में अपनी इस विरासत को सहेजना बहुत जरूरी है, जो हमारे लोक परंपरा, आस्था, संस्कृति और राष्ट्र की पहचान है। सभी अतिथिजनों का स्वागत करते हुए महोत्सव के संयोजक डॉक्टर भगवत पांडे ने कहा कि अपनी प्रीति रीति और नीति को एक ही मंच पर जीवंत कर रहा यह महोत्सव अपनी विभूतियों के आशीष के साथ अनवरत आगे बढ़ रहा है और पूरे जमुना पार में एक मिसाल बनकर नई पीढ़ी को भी संदेश दे रहा है। उन्होंने 7 दिवसीय महोत्सव में पधारे सभी विशिष्टजनों और श्रोताओं का स्वागत आभार प्रकट किया। पहले सत्र के मुख्य अतिथि आकाशवाणी दूरदर्शन के निदेशक लोकेश शुक्ला ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए अपनी प्रस्तुत गजल में जिंदगी के मर्म को बखाना तो वही रामलोचन सांवरिया, नीलिमा मिश्रा, फतेह बहादुर सिंह ऋषिराज और कवि जीतेंद्र जल्द ने अपने काव्य पाठ से समापन समारोह को अनुरंजित करते हुए खूब तालियां बटोरी। महोत्सव की परंपरा के अनुरूप मंच पर अमर शहीद संतोष तिवारी के पिता रामानंद तिवारी, तमिल के तुलसी डॉक्टर एम गोविंद राजन, निदेशक लोकेश शुक्ल समेत जमुना पार महोत्सव से प्रेरणा लेकर चल रहे शंकरगढ़ महोत्सव के संयोजक सूर्य निधान पांड्य, कोराव महोत्सव के संयोजक शशि द्विवेदी, डॉक्टर अनिल पांड्य, मेजा महोत्सव के अभिषेक तिवारी, करछना के विपिन सिंह परिहार, कौंधियारा महोत्सव के संयोजक मुकेश शुक्ला को साल और प्रयाग दर्शन प्रदान कर मुख्य अतिथि द्वारा मंच पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी, भानु अग्रवाल, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी, समाज शेखर, जीपी सिंह, योगेंद्र शुक्ला, डॉक्टर दिनेश सोनी, संकटा प्रसाद द्विवेदी, मोहिनी श्रीवास्तव, शोभना द्विवेदी, अजय सिंह, संतोष मिश्रा, कमला शंकर त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, विजय पाल, संतोष शुक्ला समर्थ समेत जमुना पार के कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए गणमान्य लोग और विद्यालय के छात्र मौजूद रहे।